कांग्रेस भी कोई जीती नहीं यहाँ पे, सहानुभूति लहर चल रही थी और कांग्रेस पिछले 8-9 महीने से लगातार वहाँ तैयारी भी कर रही थी। यहाँ इनके मंत्री विधायक गली गली घूम रहे थे, सत्ता का जमकर दुरुपयोग भी कांग्रेस पार्टी ने किया। तमाम मुद्दों को हम लेके उनके बीच जाएंगे, तमाम वादे पूरे करेंगे और RLP को राजस्थान की जनता ने तीसरे विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के जवान जब तो ये हम हमेशा कहते थे कि BJP और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलेंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के किसान जवान की उम्मीद है और तीसरे विकल्प के रूप में RLP को लोगों ने स्वीकार कर लिया राजस्थान। आज बल्लभ नगर के उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है, इसमें मैं तमाम बल्लभ नगर के उन मतदाताओं का और दूसरे मेरे पार्टी के विधायक पदाधिकारियों का सबका आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने जोरदार तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे प्रत्याशी उदयलाल जी डांगी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया। बहुत जबरदस्त उत्साह था चुनाव को लेकर और हम जीत के प्रति काफी आश्वस्त थे, लेकिन कांग्रेस भी कोई जीती नहीं यहाँ पे, सहानुभूति लहर चल रही थी और कांग्रेस पिछले 8-9 महीने से लगातार वहाँ तैयारी भी कर रही थी। यहाँ इनके मंत्री विधायक गली गली घूम रहे थे, सत्ता का जमकर दुरुपयोग भी कांग्रेस पार्टी ने किया। RLP की मेवाड़ के अंदर जबरदस्त एंट्री हुई है इस चुनाव के अंदर और मेवाड़ ने जो मान और सम्मान हमारे उदयलाल जी डांगी को दिया, जो समर्थन हमें दिया, मैं मेवाड़ बल्लभ नगर के तमाम मेरे भाइयों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी वादे हमने बल्लभ नगर चुनाव के अंदर, चाहे किसानों का अफीम के जो निरस्त पट्टे वापिस करवाने की बात हो, अफीम नीति में बदलाव की बात हो, बल्लभ नगर में नए उद्योग लगा के 80% स्थानीय लोगों को रोजगार की बात हो, सड़क पानी स्कूल बिजली की बात हो, या तमाम जिन इलाकों के अंदर हम गाँव में गए बहुत जबरदस्त कीचड़ था जगह जगह, वहाँ CC रोड की बात हो, जो VCRें भर दी उन VCRों को खत्म कराने की बात हो, तमाम मुद्दों को हम लेके उनके बीच जाएंगे, तमाम वादे पूरे करेंगे और RLP को राजस्थान की जनता ने तीसरे विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के जवान जब तो ये हम हमेशा कहते थे कि BJP और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलेंगे, BJP को दोनों स्थानों पर 3rd और 4th नंबर पर जनता ने धकेल दिया और कांग्रेस को खुश होने की आवश्यकता नहीं, 23 में कांग्रेस पार्टी को भी सत्ता से बाहर कर देगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के किसान जवान की उम्मीद है और तीसरे विकल्प के रूप में RLP को लोगों ने स्वीकार कर लिया राजस्थान के अंदर।